क्लास 8 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 14 सच्चा तीर्थयात्री कहानी। प्रस्तुत कहानी रूस के एक गांव की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र एलिशा और एफिम दो मित्र हैं। ये दोनों यरूशलम की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। रास्ते में एलिशा एक दीन परिवार की सेवा में लीन हो जाता है तथा एफिम यरूशलम चला जाता है, किंतु वह ईश्वर की विचित्र घटना देखकर दंग रह जाता है और तब उसे ज्ञान होता है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा होती है। इस कहानी में दो मित्र एलिशा और एफिम के बारे में बताया है, जो कि यरूशलम की यात्रा पर निकलते हैं और जिसमें कि एलिशा एक दीन परिवार की सेवा में लग जाता है और यरूशलम नहीं जा पाता है। यफीम जाता है यरूशलम और वहां जाकर एक विचित्र घटना देखकर ही उसको ज्ञान होता है कि मानव सेवा करना ही ईश्वर का सच्चा सेवा है। किसी समय रूस के एक गांव में यफीम और एलिशा नाम के दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान ही था न ही निर्धन ही। वह मधुमक्खियाँ पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम का दो व्यक्ति रहता था। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता था। एलिशा न गरीब था न अमीर था। वह मधुमक्खियों पालकर अपना अपने परिवार का पेट पालता था। वह बहुत दयालु प्रसन्नचित व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदा चलने का तैयार रहता, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ ना कुछ काम रहता है। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा का पूरा करेंगे। एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करना होगा। मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। दोनों दोस्त जो है बहुत पहले यरूशलम तीर्थ यात्रा का प्रतिज्ञा करता है, लेकिन एलिशा हमेशा तैयार रहता था, लेकिन अफीम को हमें कभी भी समय नहीं मिल पाता। वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता। एक दिन एलिशा ने कहा कि हम लोग अपना प्रतिज्ञा का पूरा करेंगे। तभी अफीम का चेहरा उदास हो जाता है। वह बोलता है कि अभी और इंतज़ार करना होगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। एलिशा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है, फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं होती है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। एलिशा एफिम की बात सुनकर हंसता है और बोलता है कि तुम्हारे पास तो हमसे ज़्यादा पैसा है, फिर भी तुम ऐसा बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर कुछ नहीं होता है। हम लोग तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होता है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा ली है, तो हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन ले लिया। एलिशा ने केवल उतना लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चिंत आदेश दे दिए। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्नता से तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति न थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी।
अंत में एलिसा जो है अपने दोस्त को मना लेता है, समझा लेता है। फिर दोनों एफिम फिर बहुत सारा धन लेकर के धन लेता है और यात्रा के लिए तैयार होता है। एलिसा उतना ही धन लेता है जितना का ज़रूरत था। एफिम अपने बेटे को सब कुछ समझा देता है, सारे कार्य को आदेश देता है। दूसरी ओर एलिसा जो है अपने घर का मामले में कोई और ध्यान नहीं देकर प्रसन्नता से तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ता है। एफिम के मन में फिर भी घर का चिंता लगा ही रहता है। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी, लोग भूखे मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। उन्हें झोपड़ी से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया परंतु किसी ने नहीं सुना। एलिसा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मनरासन अवस्था में पड़ी थी, वही बैठी। दूसरी स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन है, क्या चाहते हो? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दे दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर गया। बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। चलते चलते दोनों दोस्त जो है एक छोटा सा गांव में पहुंचता है। उस गांव में अनावृष्टि का त्राही त्राही मची रहता है, लोग भूखे मरते हैं और लोगों की हालत बहुत ख़राब रहती है। एक जो एलिस दोनों उन्हें एक झोपड़ी से एक चीख पुकार सुनाई देता है। उन्हें द्वार वे लोग द्वार खटखटाता है परंतु कोई नहीं खुलता। एलिसा के धक्का देने पर द्वार खुलता है और वो लोग अंदर घुसते हैं। तभी झोपड़ी के अंदर का वातावरण देखता है कि कितना बुरा हाल में ये लोग है। एक व्यक्ति लड़खड़ाकर गिर पड़ता है और दूसरा कहता है कि रोग और भूखमरी ने हम लोग को घेर रखा है और मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिसा ने अपना थैला खोला और उसे रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे माफ़ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने दो दो रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भरकर लाया, उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिसा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलम पहुँचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक न होगा। एलिसा जो है झोपड़ी के सभी व्यक्तियों का हाल देखकर उसकी मदद करता है। रोटियां खाने के लिए रोटी देता है, कुएं से पानी लाकर उसे पिलाता है। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा रहता है। एलिसा उन लोग का हाल एफिम को बताता है तो एफिम कहता है कि एलिसा जो है उन लोग का हाल एफिम को बताता है तभी एफिम कहता है कि क्या हम लोग इस गंदी झोपड़ी में ही रुकेंगे? हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। हम लोग को यरूशलम पहुंचना है। समय बेकार में समय बर्बाद करना सही ना होगा। एलिसा ने उत्तर दिया, मित्र आप चले, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करना ही होगा। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिसा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया, घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी ना था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की चीज़ें बेच दी थी। एक दिन दो दिन और फिर तीन दिन बीत गए। उससे समझ में नहीं आता कि क्या करे। एक और वह सोचता था कि वह मुझे जाना चाहिए और दूसरी और उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी।
एलिसा उत्तर देता है कि मित्र तुम चले जाओ। अफीम को कहता है कि तुम चले जाओ, हम इन लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अफीम जो है वहाँ से अकेले ही चला जाता है। एलिसा सारा रात उन लोग का सेवा करता है और उन लोग का घर का सफाई करता है, चूल्हा जलाता है, उन लोग के लिए भोजन बनाता है। और इस तरह से 3 दिन बीत जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह एक बार सोचता है कि चले जाना चाहिए, फिर दूसरी ओर उन लोगों का हालत देखकर उसका हृदय भर आता है और उसकी सेवा से उन लोगों में शक्ति भी आ रहा था। एलिसा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए घोड़ा खरीदा, साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन एलिसा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा, यह मनुष्य नहीं देवदूत है, ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिसा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए प्रबंध कर ही दिया है। उन लोगों की सेवा के बाद एलिसा उन लोगों की सेवा करने के बाद एक दिन एलिसा एक बूढ़ी स्त्री के मुंह से सुन बूढ़ी स्त्री जो अपना बेटा से कहता है एलिसा के बारे में कि यह मनुष्य नहीं देवदूत है, ऐसा भला मनुष्य संसार में अधिक नहीं होता है। एलिसा अपना प्रशंसा सुनकर सोचता है कि अब हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। घर के लोगों के लिए तो हम अगली फसल तक का प्रबंध कर चुके हैं। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में पड़े सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलम हो आए? एफिम कहाँ है? एलिसा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ न जा सका और बीच में से ही लौट आया। अगले दिन जब वो लोग सोया रहता है घर का लोग, तभी एलिसा जो है उन लोगों को छोड़ कर के वहाँ से चल देता है। उसके उसका सारा पैसा जो है ख़त्म हो जाता है। वो तभी वह यरूशलम जाने का विचार छोड़ देता है और घर में वापस आ जाता है। घर का लोग उसको देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है, यरूशलम से हो आया? एफिम कहाँ है? एलिसा अपने घर वालों को कुछ नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है कि भगवान का इच्छा नहीं था कि हम वहाँ जाएं और मेरा सारा पैसा जो है रास्ते में ही ख़त्म हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ ना जा सका और बीच से ही लौट आया। उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलम की ओर चलना। वहाँ पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी, उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में कोई जेब ना काट ले। प्रार्थना में उसका मन न था। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां तक जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिसा की तरह था। उधर जो यफीम जो है गांव के झोपड़ी को छोड़कर जल्दी से जल्दी यरूशलम पहुंचता है। यरूशलम में प्रार्थना करने के लिए जब वह गिरजाघर में गया, वहां बहुत भीड़ था। उसको हमेशा अपना पैसा का चिंता लगा रहता था। प्रार्थना में उसका मन नहीं लगता था, उस समय भी वह अपना पैसा के बारे में ही सोचता था। गिरजाघर के भीतर के भाग में 36 दीपक जल रहा था। किसी भी तीर्थयात्री को वहां तक जाने का इजाजत नहीं था, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे एफिम को ऐसा दृश्य दिखा जिससे वह आश्चर्य हो जाता है। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष का झलक दिखाई देता है जो कि बिल्कुल एलिसा के जैसा ही था।
एफिम सोचने लगा कि एलिसा कैसे हो सकता, उसे तो पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर फिर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिसा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिसा बड़ा भाग्यशाली है। और उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। एलिसा सोचने लगता कि यह कैसे हो सकता है। एफिम सोचने लगता कि यह कैसे हो सकता है। एलिसा को तो बहुत पीछे छोड़ आता है। फिर वह बार बार देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वह एलिसा ही है। अपने दोस्त को देखकर वह बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि उसका दोस्त बहुत भाग्यशाली है। उसके मन में आता है कि अपने दोस्त की सहायता से वह भी गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकेगा। एफिम बराबर एलिसा को देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफिम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कोई उसकी जेब ना काट ले। जब जेब को हाथ से दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया। परंतु बाहर आने पर उसे एलिसा कहीं भी न दिखाई दिया। अगले दिन एफिम गिरजाघर गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिसा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़ा देखा। परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को न पा सका। एफिम जो है बराबर ही अपने दोस्त को देखता रहता है। लेकिन जब प्रार्थना समाप्त होता है तो भीड़ बढ़ने लगता है। फिर से उसका ध्यान उसकी जेब में आ जाता है कि कहीं उसका कोई जेब ना काट ले। बाहर जब एफिम बाहर आता है तो अपने दोस्त को एलिसा को वो नहीं देख पाता है। अगला दिन फिर वह गिरजाघर जाता है तो गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपक के पास वह अपने दोस्त को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़ा देखता है। परंतु जैसी प्रार्थना समाप्त होता है वह अपने दोस्त को फिर से नहीं देख पाता। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर जाता और वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता। परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता। अब एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव की झोपड़ी में पहुंचा जहां एलिसा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने हमारे प्राण रक्षा की थी। तीसरा दिन भी यही बात होता है। यफीम जो है यरूशलम में 3 सप्ताह तक रहता है और वह प्रतिदिन गिरजाघर जाता है और अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में देखता है। फिर बाद में उसका कोई पता नहीं होता। अब अफीम जो है अपना घर के और वापस चला जाता है। रास्ते में वह उस झोपड़ी में पहुंचता है। देखता है झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई देती है। वह बोलती है कि आओ हम अपने यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री जो है हम लोग के प्राण का रक्षा किया था। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिसा के विषय में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सब से प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे, यदि वह न आया तो हम सब मर गए होते। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर वह सबसे पहले एलिसा के घर गया। एलिसा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरा कर आए होंगे। एफिम जो है उस बूढ़ी स्त्री का बात सुनकर समझ जाता है कि ये लोग एलिसा के बारे में ही बात कर रहे हैं, एलिसा के संबंध में ही बात कर रहे हैं। प्रातःकाल वह अपना गांव पहुंच जाता है और सबसे पहले एलिसा के घर जाता है। एलिसा अपने दोस्त को देखकर एलिसा अपनी सहत का मक्खियों का देखभाल कर रहा होता है। एफिम को देखकर वह नमस्कार करता है और कहता है कि आशा है कि यरूशलम का तीर्थ यात्रा तुम्हारा सकुशल पूरा हुआ होगा।
एफिम बोला, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ पहुँच सकी या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़ा देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची तीर्थ सच्ची ईश्वर सेवा है, और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। यफीम एलिसा से कहता है कि हम तो वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन हमारा आत्मा जो है वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन तुम हमारा आत्मा वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा इसमें संदेह है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ ज़रूर पहुँची है। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़ा देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है, और दीन दुखियों का सहायता ही सच्ची तीर्थयात्रा है।